भाई इस पॉइंट पर कितना खूबसूरत तरीके से पेंटिंग बनाई गई है, ये चीज़ें आप लोग देखिए भाई, बहुत ही खूबसूरत तरीके से भाई बना हुआ है। और ये बोल सकते हो ना, ये बिल्कुल राम की पैड़ी की मिड पॉइंट पे है ये, नहीं लेकिन भाई यहाँ से देखिएगा इसका व्यू भाई, इतनी अच्छी तरीके से बनाया गया है। नीचे जो है कुछ श्लोक वगैरह भी लिखे गए हैं इस पॉइंट पे, आप लोग देखिएगा ऊपर भाई, मतलब ऐसा लग रहा है, ये चीज़ें आप ध्यान से देखिए रियल में जो है चीज़ें यहाँ पर रखी गई हैं ऐसे, और जो कि इसको यहीं पर बनाया गया है, ठीक है। और ये चीज़ें बाहर से, अब यहाँ पे देखिए बाउंड्री पुरानी वाली तोड़ के नई कुछ इस तरीके से बनाएंगे, देखिए इस तरीके से ग्रिल लगेगा पिलर से देके, और ये पूरा बनेगा ऐसे करके आगे की ओर ले जाएंगे, और उस साइड पर भी ये पूरा बनेगा। और ये देखिए ये पुरानी वाली थी जिसको अभी तोड़ दिया गया है, और अभी कुछ इस तरीके से मशीन के ज़रिए जो है उठा के उसको फिक्स करते हैं, ये देखिए फिक्स कर रहे हैं। और यहाँ पर जो है देख पाइएगा, ये ऊपर का शिखर इस तरीके से राउंड शेप में ये रखा हुआ है, ये शिखर है जो कि ऊपर उस पॉइंट पे रखा जाता है, ये देखिए। जय श्री राम दोस्तों, मैं बलवंत आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने और एक नए ब्लॉग में। दोस्तों आज के ब्लॉग में आपको दिखाएंगे अयोध्या राम की पैड़ी पे जितने भी अपडेट किए जा रहे थे भाई, बहुत ही अच्छे से अपडेट किया जा रहा है, सारी चीज़ों को दिखाने वाले हैं। सबसे पहले आपका डेट बता दें तो आज डेट है 11 सितंबर, और आज के दिन मैंने ये वीडियो को शूट किया है। तो चलिए आपको पूरा अपडेट दिखाते हैं, बस आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखिए और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बाकी चलिए दिखाना स्टार्ट करते हैं। तो ये है दोस्तों राम की पैड़ी का व्यू, कुछ इस तरीके से आपको अभी देखने को मिलेगा करंट में, जो श्रद्धालु आ रहे हैं बाहर से वो स्नान कर रहे हैं यहाँ पे, और इस साइड पे जितने भी अपडेट हो रहे हैं देखिए, सीढ़ियाँ वगैरह कंप्लीट की जा रही है। काफ़ी दिन बाद मैं आया हूँ, आपको पूरी चीज़ों को दिखाऊंगा डिटेल में, और आगे भी बहुत अच्छे अच्छे अपडेट किए जा रहे हैं, तो सारी चीज़ों का कवर करने की कोशिश करेंगे। तो बस आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगा यार, वीडियो को पूरा देखिएगा, बाकी चलिए आपको पूरी चीज़ों को दिखाते हैं। इधर आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा अभी का, ये देखिएगा। तो कुछ उस तरीके से इधर पूरा वर्क हो रहा है, ये चीज़ें बनाई जा रही हैं इधर, और ऐसे ऐसे करके ये पूरा आगे बना है। आगे जहाँ जहाँ भी ये इस साइड पे ठोकर थे सभी जगहों पे जो है इस तरीके से सीढ़ियों का निर्माण किया जा रहा है। और आपको पता, बस 1 से 2 महीने ही बचा है दिवाली यानी दीपोत्सव का दिन, जहाँ पर इसका यूज प्रॉपर तरीके से किया जाएगा। तो तब तक ये बना के कम्प्लीट कर देंगे, क्योंकि अभी करीब 2 महीने का टाइम है, और तब तक ये लगभग बन जाएगा, ठीक है। तो आपको पूरा दिखाते हैं आगे चल के, और साइड में जो बाउंड्री वगैरह है इसको भी अपडेट किया जा रहा है। ऊपर से चलते हैं, आपको थोड़ा सा दिखाते हैं। तो यहाँ से हम चलते हैं ऊपर, ये देखिए भाई, अब इतनी चौड़ी चौड़ी इतनी बड़ी सीढ़ियों बनाने का यही मतलब है कि जो बाहर से लोग आते हैं, कुछ कुछ यहाँ के कॉलेजेस के बच्चे रहते हैं जो दीप उत्सव में भाग लेते हैं, तो उनको बैठने भी में भी आराम रहेगा, और वैसे भी लोग यहाँ पर जो है बैठ के ईजिली दीप उत्सव का आनंद ले पाएंगे, ठीक है। ये देखिए अब इधर जो है पत्थर वगैरह सारी चीज़ें लगाई जा रही हैं, साइड में जो इधर बाउंड्री आप देख पा रहे हो ये पूरा गिराया जा रहा है, इसको गिरा के फिर से अच्छे से बनाएंगे, ठीक है। मैं थोड़ा ऊपर से आपको दिखाता हूँ यहाँ से, तो ये देख पाइएगा ये कुछ इसी तरीके से आगे की ओर पूरा बनता हुआ जा रहा है, और राम की पैड़ी आपको कुछ इस तरीके से ऊपर से देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से चलते हैं, आपको पूरा दिखाते हैं आगे की ओर, ये देखिए अभी जो है इसमें लाइटिंग वगैरह भी लगाई जाएगी, वायरिंग कर दिए हैं, बस लाइटिंग लगाना है। और ये देखिए अभी यहाँ पर जो ये आप चीज़ें देख रहे हो इधर, इसके ऊपर भी कुछ ना कुछ चीज़ें बनाई जाएंगी, ताकि जैसे उस सब जगह पे घाटों पे बनाया गया है वैसे जो है इधर भी किया जाएगा इस पॉइंट पे। और यहाँ से आप राम पैड़ी का व्यू देखिएगा, कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा, ठीक है। बाकी इस साइड पर जो ये बाउंड्री है देखिए, इसको तोड़ा जा रहा है, मैं आपको दिखाऊँ थोड़ा ऊपर से चल के, तो ये देख पाइएगा आप लोग, ये है ये राम की पैड़ी के जो ये साइड में, मतलब मार्ग की साइड में बाउंड्री थी, अब इसको फिलहाल तोड़ा जा रहा है, इसको और ऊंचा करके बनाया जाएगा ताकि लोग भी इधर से ना आ पाए उस साइड पे, और ये कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। आगे बन रहा है उस साइड पे अपडेट किया जा रहा है, वो चीज़ें मैं चलिए आपको दिखाता हूँ। और इधर देखिए बीच बीच में इस तरीके से देखिए ये वायरिंग हो रही है, वायर्स वगैरह पूरा पड़ जा रहे हैं, और इसी तरीके से इसमें जो है लाइटिंग भी लगेगी। अभी तो ये चीज़ें कंप्लीट करेंगे पूरा बना के, उसके बाद जो है आगे की प्रोसेस जो है किया जाएगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये जो है फिनिशिंग दे रहे हैं, ये जो पत्थर लगा हुआ है इसी को जो है कट करके कुछ इस तरीके से उसको फिनिशिंग देंगे, जैसे यहाँ सबको देख सकते हो उस तरीके से फिनिशिंग दिया गया है, और बीच बीच में जो है कट करके लाइटिंग भी लगेगी इसमें, जो कि यहाँ पे आप देख ही पाओगे वायरिंग हो चुकी है, जो ये
नॉर्मल से सीढ़ियाँ हैं ऊपर जाने के लिए। इसमें देखिएगा वायर्स वगैरह सारी चीज़ें जो है अटैच कर दिए हैं, बस जो है बल्ब वगैरह लगाना बाकी है। ठीक है, ये चीज़ें हैं। और इधर जो ये बाउंड्री है उसको मैंने आगे दिखाया जो है तोड़ा जा रहा है, फिलहाल अभी उधर दिखाएंगे ना, तो उधर काफ़ी अच्छे से उसको बनाने की कोशिश किया जा रहा है, अच्छे से बनाया जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे को पूरा दिखाते हैं। और जो बीच में जो पॉइंट था जिसमें मैं आपको बोल रहा था कि रामायणकालीन चित्र वगैरह भी लगाए जा रहे हैं, और एक अच्छा खासा व्यू दिया जा रहा है, बोल सकते हैं बिल्कुल मिड में घाट नंबर शायद 1 के सामने, वहाँ पर भी काफ़ी अच्छे से चीज़ें की जा रही हैं, वो भी दिखाता हूँ। ठीक है, अभी फ़िलहाल देखिएगा तो कुछ इस तरीके से भी आपको देखने को मिलेगा इस जगह पे। ये देखिए इधर बाउंड्री का पूरा काम किया जा रहा है, और ये चीज़ें ये देखिएगा दोस्तों, बिल्कुल अभी करीब करीब 8:30 बज रहे होंगे, 8:30 फिर 9 बज रहे होंगे, और इस टाइम पे भाई ज़बरदस्त धूप है, इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। बिल्कुल भाई पूरा दिन काम चलता रहता है इस पर, और भाई अब तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही महीने बचे हुए हैं, तो इसको कंप्लीट करना भी ज़रूरी है कि 2 महीनों के अंदर इसको पूरी तरीके से कंप्लीट कर दें बना के। ये देखिए तो इस पर भी आप लोग देख पाइएगा, इस पर जो है इस तरीके से इस पर भी पत्थर वगैरह लगा दिए पूरा। अब देखिए साइड साइड में भी कुछ लगेगा ज़रूर, क्योंकि भाई नहीं कोई जाएगा तो नीचे भी गिर सकता है यहाँ से। बाकी चलिए आगे चलते हैं, उस पॉइंट पे दिखाते हैं चीज़ों को कैसे किया जा रहा है। उस पॉइंट पे देखिएगा दोस्तों, वहाँ पे जो शेक वगैरह जो सरिया पड़ता है इसके बीच में, उसको कट करने का काम पूरा वहाँ करते हैं, पत्थर लेकर आते हैं इस पर लगाने के बाद फिनिशिंग करते हैं यहाँ पे पूरी चीज़ों को। देखिए ऊपर भी पत्थर वगैरह रखे गए हैं, यहाँ से ऊपर चल के मैं आपको थोड़ा सा बाउंड्री का भी दिखाता हूँ नज़ारा, कैसे जो है चीज़ों को बनाए रहे हैं। ये देखिएगा दोस्तों यहाँ पे ये चीज़ें की जा रही हैं इस पॉइंट पे। देखिएगा अब इधर जो है फिनिशिंग वगैरह इस तरीके से इसको दिया जा रहा है, इस तरीके से पूरा जाएगा आगे की ओर ही बन के। और इसके बाद मतलब इस पॉइंट के आगे के बाद जो है उधर भी ठोकर लगाए गए थे, तो उधर भी यही सेम प्रोसेस किया जाएगा। अभी यहाँ पर आप लोग देखिएगा ये चीज़ें रखी गई हैं जो कि कहीं कहीं पर इसको लगाया जाएगा, ये देखिएगा। ठीक, और इधर थी ये बाउंड्री जो आप देख सकते हो, इस तरीके से तोड़ दिया जा रहा है इधर पूरा, इस तरीके से तोड़ना है पूरा, आगे भी पूरा टूट रहा है इधर से। चलिए आपको पूरा दिखाते हैं। अब इधर यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, ये ऊपर जो इधर बाउंड्री लगाई गई थी इसको कुछ इस तरीके से पूरा ढेर कर दे रहे हैं, और आगे जो है अपडेट कर रहे हैं। उधर मैं चल के आपको दिखाता हूँ ये कैसे बनाएगा इसके बाद। तो ये इधर से निकलते हैं, ये देखिए इधर भी जो था वो ठोकर ही लगा हुआ था, ये पत्थर जो आप देख पा रहे हो। अब इसे पत्थर के ऊपर जो है घुरैया करके उसके बाद जो है इस तरीके से सीढ़ियों का निर्माण कर किया जा रहा है। ये देखिए ऊपर जो है यहाँ पे बाउंड्री थी इस पॉइंट पे, और अब इसको जो है तोड़ा जा रहा है, ऊपर से दिखाता हूँ मैं। तो ये देखिए दोस्तों ऊपर आ गए, अब यहाँ पर देखिए बाउंड्री पुरानी वाली तोड़ के नई कुछ इस तरीके से बनाएंगे। ये देखिए इस तरीके से ग्रिल लगेगा पिलर से देके, और ये पूरा बनेगा ऐसे करके आगे की ओर ले जाएंगे, और उस साइड पर भी ये पूरा बनेगा। और ये देखिए ये पुरानी वाली थी जिसको अभी तोड़ दिया गया है, और ऊपर देखिए इस तरीके से इधर भी सीढ़ियाँ वगैरह सब कुछ बन रही है, नीचे आप लोग देख पाइएगा। तो ये पाइप डाल के जो है इस तरीके से वायरिंग करेंगे, जिसमें लाइटिंग वगैरह भी लगेगी, तब काफ़ी अच्छा व्यू आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा बेनिफिट जानते हो किस बात की है, ये पौधे जो ये पेड़ लगे हुए हैं इतने बड़े बड़े, इनको कट नहीं किया गया, ये सबसे अच्छी चीज़ें हैं। अब यहाँ पे लोग बैठ के जो है विश्राम भी कर सकते हैं, छांव भी रहेगा, बैठने की जगह भी अच्छी खासी रहेगी। तो ये चीज़ें जो है काफ़ी अच्छा किया गया, जो ये पौधों को पेड़ों को कट नहीं किया गया सीढ़ियों को बनाते टाइम पे। ठीक है, ये चीज़ें अच्छी हैं। अब बीच में भी कुछ अपडेट हो रहे हैं, वो चीज़ों को मैं आपको चलिए दिखाता हूँ यहाँ से। अब यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, इधर देखिए पूरी बाउंड्री एक तरफ से पूरा गिरा दिए हैं, और इधर जो है पिलर्स दे रहे हैं, और सामने अगर आप लोग देखिएगा ये जो मार्ग आप देख रहे हो अभी जो है इस मार्ग को भी जो है चौड़ा किया जाएगा। बेसिक सा मार्ग है, उधर जो है दिवाली वगैरह और देकर इसको और चौड़ा करेंगे। ठीक है, अभी इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। और अब देखिए यहाँ जितने भाई बाहर से लोग आते हैं जो इधर पेड़ पौधे लगे हुए हैं इसी की छाँव में बैठ रहे हैं यहाँ पर। तो ये चीज़ें जो है अच्छी की गई हैं, कहीं ना कहीं जो नहीं कट किया गया है पेड़ को वो चीज़ें सही किया गया है यहाँ पर। अब यहाँ से हम चलते हैं इधर से, और ये देखिए भाई अयोध्या में आइए तो बंदरों से सावधान रहिए, क्योंकि आपके पास जो बैग वगैरह रहेगा उसको छीन भी लेंगे,
और वैसे अगर आप कहीं पर रहते हो तो भाई उसको तो चीड़ फाड़ के अलग कर देंगे। अब यहाँ पर इस पॉइंट पर अगर आप लोग देखेगा, यहाँ पर भाई गजब डेकोरेट किया जा रहा है, चीज़ें काफ़ी अच्छे तरीके से जो है रामायण कालीन चित्र वगैरह सब कुछ बनाई जा रही है। अभी आपको थोड़ा सा पास से दिखाते हैं उसको। अभी यहाँ पर दोस्तों इस पॉइंट पे दिखेगा, यहाँ से जो है एक मार्ग है नीचे उतरने के लिए, इधर जो है ये ठोकर पॉइंट का है। अब यहाँ पर जो है ढलाई करके इसका भी जो है सीढ़िया बनाएंगे, थोड़ा सा इस राउंड शेप में बनता हुआ जाएगा और वहाँ से आगे से लोग उतर जाएंगे, ठीक है। अब इधर देखिए, अब यहाँ से देखिए भाई, इसको मैं बता रहा था डेकोरेट किया जा रहा है भाई, देखिए ना ज़बरदस्त तरीके से इसमें जो है रामायण कालीन चित्र बनाए जा रहे हैं और कुछ जो है श्लोक वगैरह भी लिखे जा रहे हैं। देखिए प्रभु श्री राम जी की तस्वीर इधर भी लगाई गई है, इधर भी बनाई गई है, नीचे से आपको दिखाते हैं तो आपको थोड़ा सा क्लियर दिखेगा और चीज़ें। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, कुछ इस तरीके से ऊपर से इसको अटैच कर रहे हैं, शायद ये द्वार नुमा रहे या फिर बीच में, देखिए कुछ बनाते नहीं, लेकिन भाई यहाँ से देखिएगा इसका व्यू भाई, इतनी अच्छी तरीके से बनाया गया है। नीचे जो है कुछ श्लोक वगैरह भी लिखे गए हैं इस पॉइंट पे, आप लोग देखेगा ऊपर भाई, मतलब ऐसा लग रहा है, ये चीज़ें आप ध्यान से देखें, लग रहा है रियल में जो है चीज़ें यहाँ पे रखी गई हैं ऐसे, और जो कि इसको यहीं पे बनाया गया है, ठीक है। और ये चीज़ें बाहर से, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों ये जो मूर्तियाँ रखी हैं इन्हीं को जो है फिक्स किया जाता है। और यहाँ पर देखिए भाई इस पॉइंट पर कितना खूबसूरत तरीके से पेंटिंग बनाई गई है, ये चीज़ें आप लोग देखिए भाई, बहुत ही खूबसूरत तरीके से भाई बना हुआ है। और ये बोल सकते हो ना, ये बिल्कुल राम की पैड़ी की मिड पॉइंट पर है, जो भी लोग यहाँ पे आएंगे उनको ये देखने को मिलेगा। ये देखिए इधर भी आप लोग देखिए, इधर इतना अच्छे तरीके से बनाया जा रहा है और इधर भी ये पॉइंट को इस तरीके से कनेक्ट किया गया है, एक ही साइड से एक उस साइड से, यानी तीनों साइड से आप आओगे तो आपको ये नज़ारा देखने को मिलेगा। बाकी दोनों साइड तो ये लगता ही है। यहाँ पर देखिए प्रभु श्री राम जी की जो है एक पेंटिंग बनाई गई है, इस तरीके से चित्र लगाया गया इनका। और पीछे शायद ये देखिए, इधर भी आप लोग देख पाइएगा तो आपको थोड़ा सा इस साइड से चल के आपको दिखाते हैं। ये देखें अभी बीच में इस टाइप के कुछ वर्क हो रहे हैं इधर, बाकी इधर भी शायद इस पॉइंट पे भी कुछ बनाया जाए। यहाँ पे बीच में आप लोग देख पाइएगा, थोड़ा सा इधर से मैं आपको चल के दिखाऊं, बिल्कुल परफेक्ट जगह पे ये बन रही है। ये देखिए दोस्तों इस साइड से देखिएगा तो कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा, यानी दोनों साइडों पर, चाहे आप इधर से देखिए उधर से देखिए, आपको ऐसे ही देखने को मिलेगा। साथ में आप चाहे उस मार्ग से आइए इस मार्ग से आइए, मतलब किसी भी साइड से आइएगा तो ये नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। चीज़ें सही है। अभी देखिए ये अयोध्या का लोगो यहाँ पे रखा गया है, जो कि पहले बीच में लगा हुआ था, हम निकाल दिया गया ये चीज़ों को बनाने के टाइम से। और इतना उम्मीद है कि दिवाली तक, यानी दीपोत्सव तक ये बन के पूरा कम्प्लीट हो ही जाएगा, क्योंकि अब ज़्यादा काम बचे नहीं है, बीच बीच में थोड़ा बहुत ये काम बचा हुआ है जो कि बहुत जल्दी भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आपको थोड़ा सा उस साइड से दिखाते हैं इस पेंटिंग की, उस साइड पे बैक साइड पे क्या चीज़ें हैं, ठीक है। ये दिखेगा इधर से हम दिखाते हैं आपको, तो ये देखिए, तो इधर से भी आप लोग आइएगा फिर भी आपको देखने को, क्योंकि ये जो दिवाली है ना थोड़ा सा कर्व टाइप है, इधर भी कर्व है उस साइड पर भी है, तो ये चीज़ें आपको इधर से दिखिए। अभी मैं आपको थोड़ा सा उस साइड से दिखाया था पूरा चीज़ें, अब इधर से दिखाइए, थोड़ा सा पीछे से दिखाऊं अगर मैं, ये देखिए भाई ज़बरदस्त व्यू है कुछ इस तरीके से। इधर भी देखिए पेंटिंग और इस साइड भी देखिए प्रभु श्री राम जी की कितनी खूबसूरत तरीके से ये जो है तस्वीर लगाई गई है। ये देखिए इधर भी अभी कुछ पेंटिंग वगैरह रखे गए हैं यहाँ पे, जिनको फिक्स किया जाएगा। इधर भी देख पाइएगा तो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस पॉइंट को बहुत ही अच्छे तरीके से कवर किया जा रहा है, यहाँ ग्रास वगैरह भी लगाएंगे लाके ताकि जो ये अच्छा लगे। और ये आप देखिएगा बिल्कुल राम पैड़ी के मिड में है, ये इस टाइप दिखेगा बिल्कुल मिड में है, ताकि किसी भी साइड से लोग आएँ तो इसको देख पाएँ, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों घाट के साइड पे हम आ गए हैं, आपको थोड़ा सा दिखाते हैं कि सरयू घाट के साइड पर क्या अपडेट है। अभी देखिएगा ये चीज़ों को चौड़ा किया जा रहा है, इधर देखिए अभी ये नॉर्मल सा मार्ग था, भीड़ काफ़ी ज़्यादा होती थी, वो को देखते हुए इस तरीके से चौड़ा किया जा रहा है। नीचे भी कुछ चीज़ें बनाई जा रही हैं, ये देखिएगा जैसे कि घाट बनता है ऊपर होके उसी तरीके से इसको बनाया जा रहा है। अब यहाँ पे देखिएगा बहुत सारे जो भक्त हैं वो स्नान कर रहे हैं, सामने सरयू माँ का आपको स्तर देखने को मिलेगा भाई, ज़बरदस्त पानी हो चुका है। ये देखिए ऊपर आपको पुराना वाला पुल इधर देखने को मिलेगा। बाकी इधर से चलते हैं, आपको थोड़ा सा अपडेट आगे की ओर दिखाते हैं, आगे काफ़ी अच्छे से अपडेट किए जा रहे हैं, वो चीज़ों को यहाँ चल के दिखाते हैं। ये देखिएगा दोस्तों यहाँ पर वही चीज़ें की जा रही हैं, कुछ को कुछ इस तरीके से बनाएंगे, ये देखिए। और आगे चलिए दिखाते हैं आपको,
ये देखिएगा इधर जो है शरीर आरती के लिए शाम को शरीर आरती होती है, तो यहाँ पे आके आप देख भी सकते हो। अगर आप अयोध्या आके शाम तक रुक रहे हो तो करीब 7:30 बजे के आसपास आरती होती है डेली। और इधर देखिएगा तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से अपडेट हो रहे हैं, ये सीढ़ियाँ वगैरह जो है इधर पूरी बनाई जा रही हैं घाट के लिए, ताकि लोगों को स्नान करने में भी कोई दिक्कत ना हो। और इस पॉइंट पे देखिए ये भी जो है बनाया जाएगा जैसे कि घाट होते हैं वैसे ही। ये देखिए ठीक है, आगे भी जो है काफ़ी अच्छे से अपडेट हो रहे हैं, चलिए दिखाता हूँ। अब ये चीज़ें ठीक रहेंगी क्योंकि जो है चौड़ा कर दिया जा रहा है ठीक ठाक ही, क्योंकि भीड़ भाई एक टाइम पे रामनवमी में एक टाइम पे इतना ज़बरदस्त भीड़ लगती है कि मार्ग जो है बहुत पतला पड़ जाता है। अब इसके बाउंड्री का भी जो है ये चीज़ें काम की जा रही है, लेकिन मुझे लग रहा है यहाँ पे कुछ पेंटिंग वगैरह लगाया जाएगा इस पॉइंट पे। चलिए देखते हैं, जैसा भी रहेगा अपडेट आपको देखने को ही मिलेगा। अब यहाँ पर दोस्तों इस पॉइंट पे देखिएगा ये चीज़ें बन रही हैं, इसको ऊपर बनाया जाएगा जिससे कि आगे बना हुआ है वैसे इस पर जो है ये चीज़ें की जाएंगे। ये देखिएगा यहाँ से ये कुछ इस तरीके से इसको किया जाएगा, ऊपर पूरा बनाया जाएगा ताकि जो है टाइम पे सुरक्षा बल वालों को यहाँ पे खड़ा करने के लिए सब बोला जाता है, इसको बनाया जा रहा है सामने निगरानी रखने के लिए। पूरा बनेगा तो पता चल ही जाएगा क्योंकि आगे जो है कंप्लीट कर दिए गए हैं, ऐसे बना बना के दिखाता हूँ। चलिए मैं आगे आपको ये देखिए जैसे कि यहाँ पे आगे जो है पूरा बन चुका है इधर, ये देखिए। और ऐसे ही जो है कई जगहों पे बन रहा आगे जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया था ठीक है। और इधर भी कुछ वर्क हो रहे हैं जो कि चीज़ों को किया जा रहा है। वो मसाले वाले तो ये देखिएगा कुछ इस तरीके से यहाँ से जो है पंप हाउस है पानी जो है अंदर जाने के लिए, ये देखिए यहाँ से पंप हाउस लगा हुआ जो कि अंदर पानी जाता है इस साइड से। और अभी जो है इधर मना भी रहता है कि यहाँ पे आप स्नान नहीं कर सकते हो इतनी दूरों के बीच में, उधर स्नान कीजिए और उस साइड पे कीजिए क्योंकि यहीं नीचे से ही जो पानी अंदर की ओर जाता है और राम की पैड़ी पे लोग जो है स्नान करते हैं ठीक है। तो ऐसे ही पूरे अपडेट हो रहे हैं, आगे भी चीज़ों को बनाया जा रहा है ऐसे ही जैसे कि यहाँ पर देखिएगा ये लोग स्नान वगैरह कर रहे हैं इधर। यहाँ पर देखिए दोस्तों यहाँ पर भी ऐसे ही बना दिया गया है जैसे कि मैंने आपको आगे दिखाया था, ये चीज़ें पूरे गुप्तार घाट तक बनाया जाएगा ऐसे ही आगे होते हुए, आगे भी बन रहा है गुप्तार घाट पे भी पूरा अपडेट किया जा रहा है जो कि मैंने बहुत दिन पहले अपडेट दिया था लक्ष्मण पथ का, जो कि ऐसे करके पूरा 8 किलोमीटर गुप्तार घाट तक बनाया जाएगा। आने वाली वीडियोस में आपको वो भी देखने को मिलेगा और गुप्तार घाट की भी वीडियोस देखने को मिलेंगी, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग रखिएगा तभी आपको देखने को मिलेगा। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये देखिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से इसको बनाया जा रहा है, इधर पत्थर वगैरह आपको देखने को मिलेंगे जो कि इस तरीके से कुछ रखे गए हैं। इधर जो है घाट के साइड में भी पूरे अपडेट किए जा रहे हैं, जो घाट पुराने हो चुके हैं उनको फिर से नया किया जा रहा है बना के। और आगे मैं आपको चलिए दिखाऊँ इसको चीज़ों को फिक्स कर रहे हैं कैसे वहाँ पे काम चल रहा है, ये देखिएगा। ये देखिएगा दोस्तों अभी इसके ऊपर जो है शिखर का काम नहीं हुआ है, आगे जो है चीज़ों को कर रहे हैं। इधर जो है लक्ष्मण किला भी आपको देखने को मिल जाएगा यहीं पर ही है, तो इधर आइएगा तो आप लोग को बैठने के भी काफ़ी अच्छे अच्छे स्थान मिल जाएंगे। और अपडेट तो आप देख पाइएगा इस तरीके से इधर किया जा रहा है। गवर्नमेंट ने एक चीज़ बहुत अच्छा कर दिया गया है जो ये चीज़ें लगा दी गई हैं कि उसके बाद आप लोग स्नान ना कीजिए क्योंकि गड्ढे ज़्यादा होते हैं इसकी वजह से, और इसी के बीच में जो लोग स्नान करते हैं वो ठीक रहता है, सभी के लिए सेफ भी रहता है। तो ये चीज़ें आप लोग देख पाइएगा अभी। ये देखिए इधर जो है ये पूरे घाट के जो है निर्माण कर दिए फिर से जो है नए पत्थर लगा के इस तरीके से, देखिए भाई घाट को काफ़ी अच्छे से बना दिए हैं। और आगे भी देखिए भी फिक्स किया जा रहा है ये चीज़ें जैसे कि ये है इसी की तरह इसको भी फिक्स किया जा रहा बनाया जा रहा, आगे भी पूरा अपडेट ऐसे ही किया जा रहा है ठीक है। चलिए आपको थोड़ा सा दिखाते हैं पास से, तो ये देखिएगा अभी कुछ इस तरीके से मशीन के ज़रिए जो है उठा के उसको फिक्स करते हैं, ये देखिए फिक्स कर रहे हैं। और यहाँ पर जो है देख पाइएगा ये ऊपर का शिखर इस
तरीके से राउंड शेप में ये रखा हुआ है। ये शिखर है जो कि ऊपर उस पॉइंट पर रखा जाता है, ये देखें। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से पूरा बेट है आगे से पूरा बनता हुआ आ रहा है और ये चीज़ें कुछ इस तरीके से बना रहे हैं, ये देखें। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, लक्ष्मण किला ऊपर है जो कि उसका भी कुछ अपडेट हो रहा है। यहाँ से आप ऊपर जा सकते हो, देखिए बोर्ड लगा हुआ है और आप पहुँच जाओगे लक्ष्मण किला पे। ठीक है, और इधर मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊं चल के, ये देखें अभी जो है इस साइड पर भी पूरे अपडेट किए जा रहे हैं चीज़ों को। जैसे अभी यहाँ तक था ये बिल्कुल पतला सा ही मार्ग था तो गाड़ियों को जाने में दिक्कत होती थी, जिसकी वजह से इसको थोड़ा सा बढ़ा के इस तरीके से उसको बना दिए। ये चीज़ें अच्छा कर दी गई है यहाँ पे। और ये कुछ है यहाँ का अपडेट, ये देखिए। थोड़ा सा मैं इधर दिखाऊंगा आपको, तो ये चीज़ें जैसे मैंने बताया था आगे की ओर पूरा बढ़ता हुआ जा रहा, गुप्ता रिहार तक ये पूरा जाएगा, पूरा 8 किलोमीटर तक। ठीक है, ये पॉइंट पर देखिएगा। और अभी जो है इधर काम किए जा रहे हैं, घाटों के जो है निर्माण इस साइड पर किए जा रहे हैं। और अभी तक जो था ये चीज़ें नहीं लगाई गई थी लोगों को स्नान करने के लिए इस साइड से, लेकिन अब देखिए पूरा लगा दी गई है और लोग जो है स्नान भी कर रहे हैं। नाव वगैरह भी आगे काफ़ी ज़्यादा खड़ी हैं, तो वहाँ से आप बोटिंग भी कर सकते हो। साथ में जो है इधर का आप अपडेट देखिएगा, तो कुछ इस तरीके से घाटों का पूरा अपडेट किया जा रहा है। देखिए ये जो है पुरानी सीढ़ियाँ थी, इनको जो है निकाल के अब जो है नया लगाया जाएगा, जैसे कि मैंने आगे दिखाया था आपको। ये देखिएगा पूरा इस तरीके से ये पूरा लगाया जाएगा और पूरा जो है गुप्तार घाट तक 8 किलोमीटर तक ऐसे ही जो घाटों का निर्माण किया जा रहा है। ये देखिए, अब देखिए यहाँ पे भक्तों की भीड़ भी अच्छी लगने लगी है, क्योंकि उस पॉइंट पे जब हम आगे आपको दिखाए थे वहाँ पे भीड़ जो है ज़बरदस्त लगती थी। ठीक है, तो अगर आपको भीड़ से कम मतलब भीड़ ना रहे वहाँ पर स्नान करना, तो इधर जगह पर आके स्नान जो है यहाँ पर कर सकते हो ईज़िली। ठीक है, बाकी लाइटिंग वगैरह तो यहाँ पर सारी चीज़ें लगी गई हैं, ये देखिएगा। ये देखिए अब यहाँ पर भी जो है भक्तों को स्नान करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से भी इजीली कर सकते हैं। बस ये कंप्लीट हो जाए, सीढ़ियाँ वगैरह पूरा बन के घाट रेडी है, इजीली यहाँ पे स्नान कर सकते हैं। आगे लोग जो है स्नान भी कर रहे हैं यहाँ पे, और इस टाइम पे इधर भाई सरयू माँ का स्तर काफ़ी अच्छा खासे लेवल पर है। ठीक है, तो ये था पूरा अपडेट जो कि मैंने दिखाया गुप्तार घाट, और साथ में ये पूरा अपडेट था जो कि सरयू घाट और राम की पैड़ी का। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कुछ भी क्वेश्चन हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी मिलते हैं और किसी ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री राम।